नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सूफी संत गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ अमीश देवगन ने जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की प्रयोग किया, जिस तरह से उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसके बाद में अजमेर के दरगाह शरीफ थाने के अंदर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। उन पर आरोप लगाया गया है कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो दरगाह है वो देश भर के लिए आस्था का केंद्र है, जहां पर हर धर्म के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का काम अमीश देवगन ने किया है, इसलिए उन पर सख्त कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये आरोप दरगाह शरीफ की एफआईआर में लगाए गए हैं। हमने दरगाह शरीफ पर हमारे एक साथी हैं नजीर कादरी, उनसे बात की है कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है वहां पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान के चुनाव के वक्त में जो है हमने आपको दरगाह से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और दरगाह शरीफ पर मेरा जाना भी रहा है। ऐसे में हमारे एक साथी हैं वहां पर नजीर कादरी, उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से भेजी है। आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं कि वहां का माहौल क्या है और वहां के लोग जो है वो क्या मांग कर रहे हैं, वहां की आम आवाम जो है वो क्या चाहती है, उन्होंने क्या कहा है, एक ग्राउंड रिपोर्टिंग आप सुनिए। ये लोग खाली अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और छिछोरी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरह की जो हरकत करते हैं, इससे इनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। इस अमीश देवगन ने जिस तरह से गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करी है, इसे इसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। आज इसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के अलावा विदेशियों के जो बाहर गरीब नवाज में आस्था रखते हैं, उनके भी दिलों को ठेस पहुंचाई है। और हम जितने भी आशिकाने गरीब नवाज हैं, हम जब तक उसको सजा नहीं मिल जाएगी अमीश देवगन को, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और लगातार उसका हर मंच पर विरोध करेंगे, जिस भी मंच पर हो, चाहे न्यूज़ चैनलों पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे और किसी भी स्तर पर हो, इसका लगातार विरोध करेंगे। और इस अमीश देवगन को जब तक सजा नहीं मिल जाएगी, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और से कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज की गई है? गरीब नवाज की बारगाह से दरगाह थाने के अंदर एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसको अब संज्ञान लेकर या आगे क्या कार्रवाई की थी है, उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। आज अगर किसी भी तरह से अप्रोच लगा के इस पर एफआईआर लाने की कोशिश की जाती है, तो दूसरे सारे हमारे पास में रास्ते खुले हुए हैं जिससे इसे सजा दिलवाई जाए। नाम बताइए। मोहम्मद शाकिर खान। बताइए, जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कान में जो गुस्ताखी की, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के इमाम महात्मा गांधी को जो आतंकवादी कहे, उस विचारधारा के व्यक्ति को क्या कह सकते हैं जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को आक्रमण करते हैं। उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। और इस मुल्क के कानून के तहत मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसे विचारधाराओं के लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं कि जब चाइना देश पर हमला कर रहा हो, जब नेपाल जैसी ताकत हमला कर रही हो, जब पाकिस्तान जैसा आंखें दिखा रहा हो, तो मुल्क की ताकत के लिए ऐसी विचारधाराएं मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम एकता का नारा देकर आपस में ताकत पैदा कर उन विदेशियों को ताकत बताना चाहिए, ना कि हमारे मुल्क में अमन और चैन खराब करना चाहिए। और इस कानून के मुल्क के कानून के तहत इसे गिरफ्तार कर और पूरी पूरी सजा का जो हकदार है उसे सजा दिलवाना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? हमने यहाँ के मौजूद लोगों ने संबंधित थाना के अंदर, दरगाह क्षेत्र थाना के अंदर एक प्राथमिकता दर्ज करवाने का संज्ञान दिया है, जिसके तहत मैं समझता हूँ जांच होगी और जांच के पहलू के आने के बाद इसको गिरफ्तार किया जाएगा। आपके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मीडिया जगत के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, बल्कि ऐसी बातों का समावेश करना चाहिए और ऐसे मुद्दे सार्वजनिक दिखाने चाहिए जिसकी देश में एकता, आर्थिक व्यवस्था, किसान नीति को लेकर, भाईचारा नीति को लेकर वाद विवाद हो, ना कि किसी जाति धर्म विशेष के खिलाफ कोई जहर उगला जाए। मैं चाहता हूँ ऐसे एंकरों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्राथमिकता नहीं दें और देश का इत्तेहाद और एकता कायम रखें और उसकी मिसाल, क्योंकि देश का तीसरा मजबूत स्तंभ समाचार पत्र है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करेंगे तो देश मजबूत होगा, बाहर भी और अंदर भी। एक टीवी चैनल के न्यूज़ एंकर अनीश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, जो पूरी दुनिया के अंदर एक सांप्रदायिक सौहार्द के जनक माने जाते हैं और यहाँ से सारे पूरी दुनिया के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है,
हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे वो अन्य किसी समाज का हो, सभी धर्म यहाँ पे आस्था रखते हैं और इस वजह से इसको सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी भी कहते हैं। और कल जिस प्रकार से अनीश देवगन ने जिस प्रकार से अनगल टिप्पणी की है ख्वाजा साहब के ऊपर, तो मैं हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक अनुरोध करता हूँ कि जो यहाँ पर जिन लोगों ने जिस दरगाह से जुड़े लोगों ने एक FIR उसके नाम से दर्ज किए, उस FIR पर शीघ्र अति शीघ्र कार्य कर और ऐसे शख्स को जिसने इतने घृणा का काम किया है, मीडिया को जबकि चौथा स्तंभ कहा जाता है वहाँ पर उसने उसको शर्मिंदगी भी महसूस हुई होगी कि किस प्रकार से मैंने ये शब्द ऐसे कहे, मगर ऐसे चीज़ों की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, दोबारा कोई शख्स ऐसी बात ना करे, हिम्मत नहीं जुटा पाए, उसके पर कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। इसके बारे में हम शीघ्र ही एक प्रेस काउंसिल को भी इसके बारे में लिखेंगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द इस स्तंभ से चौथे स्तंभ मीडिया से भी बाहर किया जाए। आरिफ हुसैन, शाह समाज जिलाध्यक्ष, अजमेर। मेरी इन तमाम बातों के अंदर जो इसका केंद्र बिंदु है वो अमीश देवगन है, उस जैसे व्यक्ति को और उस विचारधारा व्यक्ति के लोगों को देश के कानून के तहत सख्त सख्त सजा मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और कानूनी रूप से सजा होना चाहिए और सार्वजनिक मंच पर उनकी कोई जगह नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा चिश्ती, खादिम हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। अमीश देवगन के खिलाफ लोग एक सुर में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमीश देवगन ने जिस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उसके बाद लोगों में गुस्सा है और लोग ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गुस्ताखी ना कर सके। लोगों ने यह भी कहा कि यह जो है एक आस्था का केंद्र है, पूरे देशवासियों की आस्था का केंद्र है, यह किसी मुसलमान के लिए या किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि यहां पर हर धर्म हर जाति के लोग आते हैं। तो ऐसे में जो है सख्त कार्रवाई करके एक संदेश देना चाहिए, जहां पर खुद राष्ट्रपति, जहां पर खुद देश के प्रधानमंत्री, जहां पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियां, जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी चादर चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, मत्था टिकाते हैं, ऐसे ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अमीश देवगन ने जो टिप्पणी की है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, उस पर माफी नहीं दी जा सकती, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर जो वहां पर लोकल आवाम है, जो वहां के लोकल जो बाशिंदे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं। बहरहाल अमीश देवगन के खिलाफ जो है वो हजारों से ऊपर जो है वो इस वक्त देश भर में FIR दर्ज की जा चुकी है। अमीश देवगन भले ही माफी मांग रहे हो, लेकिन अब जो है देशवासी जो है इस पर आर पार के मूड में जो है वो नजर आ रहे हैं और अमीश देवगन की गिरफ्तारी कब होती है सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।